गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं आशु प्रजापति और आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा XUV 300W8 ऑप्शन मॉडल के बारे में। आज हम बात करेंगे 300W के इंटीरियर के बारे में, सो लेट गेट स्टार्टेड। चलिए गाइस अब हम अंदर चल के देखते हैं गाड़ी का वॉक अराउंड। यह हमें XUV के फुट स्टेप मिलते हैं इल्यूमिनेटेड, XUV 300 लिखे हुए, 300 लिखे हुए यहाँ पे। ये हमें यहाँ पे दो कप होल्डर्स मिलते हैं और एक स्टोरेज एरिया। यहाँ पर ये हमारे पावर विंडो के कंट्रोल, ये हमारे साइड मिरर के कंट्रोल। तो गाइस अब हम आ चुके हैं कार के अंदर और जैसे कि आप बता रहा हूँ ये हमारी है की महिंद्रा की जो XUV 300 के लिए है। इसमें यहाँ पे हमें एक अनलॉक लॉक और एक सेंसर का बटन मिलता है। इसमें तीन बटन से और कार की यहाँ से अनलॉक हो जाती है। वैसे कार की सिर्फ हमारे एक जगह पे यूज़ में आती है जो है हमारे डोर मैन्युअली अनलॉक करने के लिए। कार को स्टार्ट करने के लिए आप कार में जैसे आप बैठते हैं आपको की इस जगह पे होल्डर पे प्लेस करनी होती है। आप इस तरह से प्लेस कर लो या आप आपके पॉकेट में कहीं भी रख सकते हैं। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। इग्निशन ऑन करने के लिए आपको बस एक बार ये स्विच दबाना है, आपके मिरर्स अनफोल्ड हो जाएंगे, आपका सिस्टम स्टार्टअप हो जाएगा। हमें 2 मिनट के लिए वेट करना है जब तक इग्निशन ना हो जाओ स्टार्ट। डायरेक्ट ओपन करना है इस हार्मफुल फॉर कार। अब जैसे हम देख रहे सकते हैं यहाँ पे स्टार्टअप हमारा होता है सिस्टम का इस टाइप से महिंद्रा का लोगो। और सारे स्पीकर्स में स्टार्टअप साउंड, ये वार्निंग, और स्टार्टअप में हमारा FM स्टार्ट होते हैं। उसके बाद आपको कार स्टार्ट करने के लिए आपको सिर्फ जैसे आप अभी आप यहाँ पे स्टार्ट बटन पर देख सकते हैं ये अभी रेड बता रहा है। तो गाइस अब हमने सिस्टम स्टार्टअप किया है। सिस्टम स्टार्टअप जैसे हम करते हैं हमें सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट में इंफोटेनमेंट सिस्टम में ये पैनल दिखता है जो हमारे रेडियो का है। ये हमारे रेडियो के यहाँ से हम बैंड्स चेंज कर सकते हैं हमारे। ये हमारा वॉल्यूम का टॉगल है। अब इसके नीचे हमें मिलते हैं यहाँ पे 6 बटन्स। ये हमारे हैं 6 बटन्स। पहला हमें मिलता है होम का, रेडियो, फ़ोन, नेविगेशन, डिस्प्ले एंड प्रोग्राम। प्रोग्राम बटन को आप किसी भी तरह से स्विच कर सकते हैं। अभी मैंने इस प्रोग्राम बटन को स्विच करा हुआ है इक्वलाइज़र पे। इक्वलाइज़र पे हमें यहाँ पे अब अपने हिसाब से कस्टम कर सकते हो, जैसे पॉप, रॉक, जैज, क्लासिक, नॉर्मल एंड कस्टम। मैंने अभी कस्टम पे किया हुआ है। और उसके बाद हमें इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में कंपनी से इनबिल्ट जो आ रहा है इसमें आपको मिलेंगे मीडिया कंट्रोल्स में लाइक USB म्यूजिक, USB वीडियो, USB इमेज। आप इसमें वीडियोस प्ले कर सकते हैं बट ओनली व्यू USB। उसके बाद इसमें आपको मिल जाता है एंड्रॉयड ऑटो जो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है। एंड्रॉयड ऑटो है, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, आईपॉड एंड ऑक्स कनेक्टिविटी। आप जैसे इसमें फ़ोन कनेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे कॉल का बटन मिल जाएगा, ब्लूटूथ सेटअप मिल जाएगा, ऐड कॉल्स, इसमें आप मर्ज कर सकते हैं कॉल्स को और आपके कॉन्टैक्ट्स। आप जैसे फ़ोन को इसमें ब्लूटूथ से ऐसे कनेक्ट करेंगे आपका सारा डाटा इसके अंदर डाउनलोड हो जाएगा। उसके नीचे आपको चीज़ें मिल रही है डिफोकस की। ये आपके डिफोकस का बटन है, ये आपका रियर डिफोकर। ये आप इस गाड़ी में, इस कार में आपको 5 सीट बेल्ट्स के रिमाइंडर्स मिलेंगे। ये हमारा हैजार्ड लाइट्स का ऑप्शन है जिससे आपके चारों इंडिकेटर्स ब्लिंक करने लगेंगे। ये आपके ट्रिप मीटर्स के हैं
दोनों बटन्स और ये आपके स्टीयरिंग कंट्रोल्स हैं। जैसे ही आप ये बटन यहाँ पे दबाएंगे, वहीं वैसे ही आपके MID में आपका डिस्प्ले चेंज हो जाएगा। जैसे अभी मैं MID पे फोकस कर रहा हूँ, आपको अभी मेरा ड्राइविंग मोड है कम्फर्ट। जैसे मैं इसे चेंज करूँगा, ये नॉर्मल स्टीयरिंग हो गया अब हमारा, ये अब हमारा स्पोर्ट्स मोड हो गया। जैसे आप ये मोड चेंज करेंगे, स्पोर्ट्स मोड में आपका स्टीयरिंग काफ़ी हैवी हो जाएगा। कंफर्ट मोड पे, स्पोर्ट्स मोड के बाद आपका कंफर्ट मोड आपकी सिटी ड्राइविंग के लिए बहुत ईजी है, क्योंकि सिटी में आपको बहुत ज़्यादा स्टीयरिंग का यूज़ होता है, तो आपको स्टीयरिंग काफ़ी लाइट हो जाएगा। नॉर्मल मोड आपका जो नॉर्मल पावर स्टीयरिंग होता है वो हो उस टाइप की आपकी हैंडलिंग रहेगी। उसके बाद आते हैं आपके AC कंट्रोल्स पे। ये अभी हमने AC ऑन किया हुआ है और अभी हमारा आप देख सकते हैं टेम्परेचर दोनों साइड लो है। ये फर्स्ट इन सेगमेंट इस प्राइस में कार है जिसमें आपको ड्यूल AC मिल रहा है। इसमें आप राइट हैंड साइड का कैबिन, ड्राइवर साइड का कैबिन और पैसेंजर साइड का कैबिन के दोनों टेम्परेचर्स अलग अलग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं नीचे आपको दो टेम्परेचर्स दिए हुए हैं, इस साइड भी टेम्परेचर दिया हुआ है और वही टेम्परेचर्स आपको इस साइड भी दिए हुए हैं। ये आपका लो के लिए है। इसको ऑन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे ड्यूल का बटन है। इस ड्यूल का बटन आप जैसे प्रेस करेंगे, यहाँ आपको लिखा हुआ आ जाएगा AC ड्यूल। अब आप यहाँ पे जैसे कैबिन पैसेंजर है, तो आप यहाँ पैसेंजर साइड का कैबिन को आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी लो है, इस जैसे बटन को मैं इंक्रीज़ करूँगा, इसका टेम्परेचर मैंने कर दिया है अभी 24। तो पैसेंजर साइड का कैबिन जो अभी है वो हमारा हो जाएगा 24 के टेम्परेचर पे, और जो ड्राइवर साइड का कैबिन है वो आपका है अभी लो पे चल रहा है। मतलब अभी मुझे जो ड्राइवर को है, ड्राइवर को मिलेगी अभी लो टेम्परेचर वाली कूलिंग और वहीं पे पैसेंजर साइड को मिलेगी 24 टेम्परेचर की कूलिंग। ये अब एडजस्ट करेगा। इसके अंदर दो कंप्रेसर्स इस वजह से लगे हुए हैं जिस वजह से इसकी कार की कूलिंग बहुत फास्ट है, क्योंकि इस गाड़ी में विंडो एरिया बहुत ज़्यादा दे रखा है। ग्लास एरिया इतना ज़्यादा है कि ये गाड़ी बहुत जल्दी गर्म होती है, पर इसका कंप्रेसर इतना फास्ट दिया हुआ है कंपनी ने कि गाड़ी बहुत जल्दी विद इन टू टू थ्री मिनट्स आपके पास कैबिन पूरा चिल हो जाएगा। ये अभी एक पॉइंट पे चल रहा है आपका AC, जब हम इसको फुल पे करेंगे तो आप इसमें कैबिन नॉइज सुन सकते हैं, फ़ैन की ब्लोइंग स्पीड कितनी तेज़ है। ये हमारे दोनों वैनिटी मिरर्स हैं, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे कैबिन एयरबैग्स के सिंबल्स हैं। इन दोनों वैनिटी मिरर्स में आपको लाइट्स मिलती है और मिरर्स मिलेंगे आपको। ये ऑन ऑफ ऑटोमेटिक लाइट्स होती है, जैसे आप इसका डोर ओपन करते हैं वैनिटी मिरर के लिए, वैसे ही आपको लाइट्स हो जाती है। वैसे ही आपको ड्राइवर साइड में मिलेगा, जैसे आप इसे ओपन करेंगे आपके यहाँ भी मिरर्स हैं। ये आपका ग्लास होल्ड, ये आपका सनग्लास होल्डर है। जैसे आप यहाँ पे इसे पुश करेंगे, आप यहाँ पे अपने स्पेक्स वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। ये पूरा माइक्रोफाइबर कोटेड होता है। तो गाइस, ये हमारा है सेंटर मिरर। ये सेंटर मिरर हमारा था ऑटो डिमिंग लाइट्स के साथ। ये फीचर बहुत से कम लोगों को पता है कि ऑटो डिमिंग मिरर होता क्या है, तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा। अभी देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी हम लोग एक साइड में जगह एक व्लॉग शूट कर रहे हैं, इसलिए अभी आसपास पीछे से कोई लाइटें नहीं आ रही है, तो अभी मैं एक फ़ोन से लाइट मार के दिखाता हूँ आपको। जैसे ये देखिए, ये अभी ऑटो डिमिंग मिरर अभी हमारा काम कर रहा है। तो जैसे अभी मैंने फ़ोन की फ्लैश लाइट मारी, लाइट्स आप यहाँ देख सकते हैं ग्रीन कलर में आ रही है ऊपर, और मिरर में अभी हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि जितनी ज़्यादा इस पर लाइट्स आएगी ये उतना ज़्यादा डिम होते जाएगा, लाइट्स को डिमिंग कर देगा। ये हमें हाईवेज पे बहुत काम में आता है, क्योंकि जब हम हाईवे पे मिरर सेट करके चलते हैं तो पीछे की लाइट जो आती है वो हमारी राइट ड्राइवर की आंखों पे पड़ती है, जैसे वो उसे बहुत इरिटेशन होता है कार चलाने में, ड्राइव करने में। अब जैसे मैं इसे इस बटन को ऑफ करूँगा, अभी हमारा ऑटो डिमिंग मिरर ऑन है, याद रखिएगा। अब जैसे मैं इसे ऑफ करूँगा, वैसे ही ये जो मिरर है हमारा, यह नॉर्मल मिरर की तरह यूज़ होने लग जाएगा। देखिए, जैसे अभी यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट्स आ रही है, अब ये थोड़ी सी देर में वाइट हो जाएगा पूरा और ये हमारा मिरर नॉर्मल हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अब इसे मैं जैसे वापस ऑन करूँगा, इतनी जल्दी ये लाइट को डिम कर देता है। ये हमारे फॉग लैंप्स,
और रियर फॉग लैंप्स की लाइट्स, रियर फॉग लैंप्स का आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा स्विच हो गया स्टार्ट। यहाँ पे आपको पार्किंग असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलैम्प्स, ये आपके स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिलेगा, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, ये आपको एयरबैग, यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हैं। ये हमारे वॉल्यूम अप, माइनस और प्लस का साइन। यहाँ से आप म्यूट भी कर सकते हो सिस्टम को। ये हमारा 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन है। इसका रिवर्स गियर आपको ऐसा पॉप अप करना है, रिवर्स गियर, और जैसे आप रिवर्स गियर में इनबिल्ट होंगे, पार्किंग मोड इफ यू नीड असिस्टेंस, फिर से एक बार लगा के दिखाता हूँ। रिवर्स गियर आप जैसे लगाएंगे आपको सिस्टम वार्निंग आएगी, please select the parking mode if you need assistance. अब जैसे मैं यहाँ पे स्टीयरिंग घुमाऊंगा, ये डायनेमिक स्टीयरिंग होता है, इसे मैं जैसे यहाँ पे स्टीयरिंग मोड़ रहा हूँ आप देख सकेंगे यहाँ पे, ये अपने हिसाब से मुझे पोजीशन बताएगा। और यहाँ से आप ड्राइविंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर आपको पार्किंग असिस्ट चाहिए। अगर आपकी पार्किंग मेरी जैसे अभी पार्किंग स्टेप में पार्क साइड में, व्हेन द बॉक्स टर्न्स ग्रीन होल्ड द स्टीयरिंग व्हील एंड रिवर्स स्लोली, ड्राइव टिल यू फाइंड अ क्लियर पार्किंग स्लॉट इन द बॉक्स एरिया। अगर आपको साउंड नहीं चाहिए तो आप यहां से इसे ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। वहीं इसमें आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी मिलेंगे जो आप कैसे काम करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि अभी हमारे सामने एक कार खड़ी हुई है, और जैसे मैं इसे पास थोड़ा सा स्टीयरिंग और पकड़ देता हूँ मैं, जैसे मेरे सामने एक कार खड़ी हुई है, ये देखिए, ये हमारे सेंसर्स एक्टिवेटेड रहते हैं, फर्स्ट और सेकंड गियर पे एक्टिवेटेड रहते हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं हमारे तीनों सिग्नल्स यहाँ पर आ चुके हैं, मतलब अब इससे आगे कार नहीं जा सकती क्योंकि आगे अब कार खड़ी हुई है, एक ऑब्जेक्ट आ चुका है। अब हम जैसे पीछे लेंगे, पार्किंग ब्रेक एंगेज्ड। अब देखिए, जैसे अभी हमने यहाँ पे सनरूफ अभी हमारी ओपन छोटी हुई है, अभी हमारी सनरूफ ओपन है जैसे, और जैसे हम इंजन ऑफ करेंगे गुड बाय, देखिए चेक सनरूफ का ऑप्शन आ रहा है, चेक पार्क लैंप, चेक सनरूफ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो जस्ट प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि मैं और किन कार्स के ऊपर अपनी वीडियो बना सकता हूँ। थैंक यू।